नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। बालाघाट नगरीय निकाय का चुनाव मतदान 13 जुलाई को संपन्न होना है। यहां भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी सुबह से लेकर देर रात तक मतदाताओं से मिल रहे हैं। निकाय चुनाव की घमासान में सबसे आगे चल रही कांग्रेस को बालाघाट विधायक और कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने एक बार फिर धराशाही कर दिया है। वे प्रतिदिन वार्ड नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेसी नेता अपने एसी रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कल शाम गौरीशंकर बिसेन ने वार्ड नंबर 33 में जनसंपर्क करते हुए इस वार्ड के भाजपा पार्षद प्रत्याशी योगेश बिसेन के लिए मतदाताओं से वोट मांगे। वार्ड नंबर 33 के भाजपा प्रत्याशी योगेश बिसेन के समर्थन में वार्डवासी भी खुलकर सामने आए। आपको बता दें कि युवा पार्षद प्रत्याशी योगेश बिसेन विगत कई वर्षों से अपने वार्डवासियों के लिए पार्षद नहीं होते हुए भी पार्षद ही नहीं अपितु एक लीडर की भूमिका निभाते आ रहे हैं। योगेश उर्फ पप्पू बिसेन ने कोरोना काल में भी वार्ड नंबर 33 में अपनी जनता की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया। उसके साथ ही पीएम आवास, राशन कार्ड, बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं के लिए रोजाना कार्य करते रहे। इनके कार्यों को देखकर भाजपा सरकार द्वारा इन्हें मनोनीत पार्षद बनाया गया था। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 33 में पार्षद पद के लिए कुल 7 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां करीब 4,500 मतदाता है। वैनगंगा से सटकर लगा ये वार्ड अब चुनावी रण बन चुका है। इस वार्ड में कांग्रेस कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। असली लड़ाई भाजपा के योगेश बिसेन और निर्दलियों के बीच दिखाई पड़ रही है, जिसमें युवा मिलनसार योगेश बिसेन ने अभी तक बढ़त बनाकर रखी है। जिनके प्रचार प्रसार की कमान वरिष्ठ भाजपा नेत्री लता एलकर और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन संभाल रहे हैं। नगर पालिका में सरकार बनाने पहले कांग्रेस आतुर नजर आ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में मिली बढ़त के बाद निकाय चुनाव में ढीली पड़ती दिख रही है। भैया, सबसे पहले आपका परिचय बताएंगे। मैं योगेश बिसेन, वार्ड नंबर 33 से भाजपा का प्रत्याशी। आप पूर्व में जो है मनोनीत पार्षद रहे हैं, नगरी जो प्रशासन का काम है ना पाका, उसका आपको पुराना अनुभव है। इस बार आप जो है किस विजन के साथ जो है वार्ड प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विजन रहेगा आपका? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं, मुझे मनोनीत पार्षद पार्टी ने, सरकार ने मुझे मनोनीत पार्षद बनाया 3 साल के कार्यकाल में। जब मैं पिछला चुनाव हार चुका था, फिर मेरे कामों को देखते हुए 2 साल बाद मुझे मनोनीत पार्षद बनाया गया। उसके बाद मैं लगातार मनोनीत पार्षद काल में जो कार्य किए, जैसे हमारे यहाँ जो पुराने पार्षद थे उनके निष्क्रियता को देखते हुए मुझे जो काम करने का मौका मिला और लोगों ने जो मुझे सहयोग बढ़कर किया, उसका तो अनुभव है ही। और उसी अनुभव को आगे बढ़ाने के लिए, उसी अनुभव के साथ और नए काम को करने के लिए मैं इस बार मैदान में हूँ। पूर्व में आप जो है एक वार्ड प्रत्याशी का चुनाव लड़े थे, वो हार गए। इस बार किन तैयारियों के साथ आप चुनावी मैदान में हैं? मैं बिल्कुल चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था, लेकिन मेरे वार्ड की जनता, लगभग मैंने यहाँ पे 250 से 300 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने के लिए मदद किया था। उन लोगों के सब, जब मैं नहीं लड़ रहा था तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव में आना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस काम के लिए टिकट दिया, इसलिए मैं मैदान में हूँ। कुछ अपील करना चाहेंगे अपने वार्डवासियों से? आपके वार्डवासियों से एक ही अपील है, मुझे भरपूर सहयोग प्रदान करें। अगर मुझ पर विश्वास हो तो, अगर मैंने पिछले 2 साल 3 साल में जो 5 पिछले 7 सालों में चुनाव हारने के बाद भी अगर मैं आपके साथ सतत रूप से आपकी मदद के लिए प्रयासरत रहा हूँ, तो आप मुझे वोट करें, अन्यथा ना करें। चाहे छोटे रूप में बड़ों को, छोटे छोटे काम हो या बड़े बड़े काम हो, ये मुझे बताइए, पिछला चुनाव हमारी बहुत श्रीमती बिसेन ने लड़ा, चुनाव हार गई। योगेश बिसेन को मनोनीत पार्षद बनाए, जो पार्षद जीत के आए थे उन्होंने आपके काम किया, दुख सुख में खड़े रहे, आपके प्रस्ताव को नगर परिषद भेजा या योगेश बिसेन ने भेजा। कोरोना की महामारी से लेकर राशन कार्ड बनाने से लेकर कोरोना का वैक्सीनेशन से लेकर जो भी आपकी छोटी से बड़ी समस्या है, उसको यदि किसी ने आपके दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया, तो आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी योगेश बिसेन। बहुत बढ़िया। हमारा एक और भाई है, पप्पू भैया। हाँ, हमने उनको कहा, भैया पप्पू एक बार मत करो यार,
जिसने काम किया उसको अवसर दो। आप भी योग हो, आप में भी कोई कमी नहीं है, आप भी अच्छे पार्षद रहे हो, लेकिन अभी तो बंजर जमीन को जोता योगेश ने है ना। अरे वाह, मैं चौधरी क्या समझा के थक गए, पर मेरा भाई पप्पू नहीं माना। अभी वोटों का बंटवारा होगा, नुकसान किसको होगा? इस पार्टी के पप्पू भैया उनकी पार्टी भाजपा को होगा। अब उस नुकसान को रोकना पड़ेगा और इस 33 वार्ड में कमल खिलाना होगा। मेरे भाई गगन थोरी जी की मैं भाइयों और बहनों, जब हम भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान चाहते हैं तो सबसे बड़ी और पहली बात, हमने काम किया है, काम करने वाली सरकार है और इसलिए इस नगर में भी काम हो, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की नगर की सरकार बनाना चाहते हैं। और अगर हम नगर की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें यहाँ का पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का चुनना होगा। एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, देखिए सरकार बनेगी, सरकार निर्दलियों की नहीं बनती, हमेशा ध्यान रखो, निर्दलीय सरकार नहीं बनाते, वो किसी न किसी पक्ष में होते हैं और उस लायक भी नहीं बन सकते। इसलिए सरकार बनाना है तो पार्टी का चुनाव करना होगा। ये निर्दलीय कुछ तो इसलिए खड़े हो गए कि हमको टिकट नहीं मिली, इसलिए हमको खड़े हो जाना है। कुछ इसलिए खड़े हैं कि हमने 25 साल पहले कुछ कर दिया था, 20 साल पहले हमने बड़ा काम किया था, तो अब हमें फिर से उनको याद आ गई कि अब हमको यहाँ से चुनाव लड़ना है। ऐसे निर्दलियों के प्रलोभन में आ करके और बनती हुई सरकार को आप कमजोर मत होने दें, ये निवेदन मैं आपसे करती हूँ। जब मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए आपसे वोट मांगती हूँ तो मैं जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में रहकर और उसके प्रतिनिधि के रूप में योगेश बिसेन आपके बीच में रहकर जो काम किया है उससे आप आंख नहीं मूंदेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कोरोना के काल में हर घर तक पहुंचने का उसका प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गरीब के लिए, बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए, बूढ़ों के लिए, बीमार के लिए योजना ला रही है। पार्टी है कौन सी बताओ आप मेरे को? आयुष्मान योजना जो है कांग्रेस ने लाई क्या? कमलनाथ ने लाई क्या? आपको ये घर मिले ये कमलनाथ ने दिए क्या? कांग्रेस ने दी क्या? सोनिया गांधी ने दी क्या? ये सब लेकर आने वाली भाजपा और इसमें फिर विचार करने की जरूरत क्या है? आपके घर पर छत पक्की छत हो, आपके घर में गैस का चूल्हा चले, आपको निःशुल्क बिना पैसा खर्च किए आयुष्मान कार्ड मिला, क्योंकि अगर आपका नहीं बना है तो बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है योगेश भैया को, अगर नहीं बनाया है किसी ने तो। पर मैं बता दूं, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो आपको 5 लाख तक का, आप बीमार अगर है घर में आपके परिवार में कोई तो उसको 5 लाख तक की जो सुविधा है, चिकित्सा सुविधा है, वो फ्री में भारतीय